अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और दुनिया में जो जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरी और मेरी फैमिली की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। अच्छा, आज का व्लॉग जो है बहुत ही चुनु मुनु सा है और बस मुझे आप लोगों को और अपनी फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को और दुनिया में जितनी भी लोग हैं जहाँ जहाँ मुझे देख रहे हो उन सबको अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देनी थी। आज का दिन इंतहाई बड़ा दिन है और आज के दिन का जो है जितना हो सके इस दिन पे आप दुरूद सलाम जो है अपने नबी पर भेजें और दुआओं में सब लोगों को याद रखें। अच्छा, बाहर मुल्कों में जो है इस तरीके से ये दिन जो है सेलिब्रेट नहीं किया जाता जैसे अपने मुल्कों में किया जाता है। वहाँ पे बड़ी बड़ी तकरीबात मुनक़द की जाती हैं, मिलाद जो है उसका अहतमाम किया जाता है, दुरूद सलाम भेजे जाते हैं और बड़े बड़े जो है लंगर बनाए जाते हैं और गरीबों में तकसीम किया जाता है। यहाँ पे जाहिर है उस पैमाने पे ये चीज़ें नहीं होती हैं क्योंकि एक तो जाहिर अपना मुल्क नहीं है और दूसरा मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो कम है। तो जब भी इस तरह के त्यौहार आते हैं जैसे ईद आ गई, बकरीद आ गई, मुहर्रम आ गए, ईद मिलादुन्नबी है, तो अपने मुल्क की बहुत याद आती है, बे इंतहा याद आती है। अच्छा, हम लोगों के यहाँ, हमारी फैमिली में बचपन से मैं देखती आ रही हूँ कि हमारे यहाँ जो है ईद मिलादुन्नबी का अलग से एक नया जोड़ा बनता था और इसको ईद की जैसे ही सेलिब्रेट किया जाता था। तो बहुत ही बड़ा दिन है और इस दिन जो है मिलाद का जो है वो भी अहतमाम किया जाता था। और मुझे अच्छे से याद है कि मैं और मेरी बड़ी बहन जो है नाते पढ़ा करते थे क्योंकि मेरी नानी जो थी उनको नाते बहुत पसंद थी और वो जो है हम लोगों से बैठा के नाते सुनती भी थी और दुरूद जो है उसका भी हम लोग अहतमाम करते थे। यहाँ आके वो सारी चीज़ें इतना मिस होती हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा हुआ कि मैंने आप लोगों से बात कर ली, थोड़ा सा दिल हल्का हो गया और नानी को याद कर लिया, अम्मी को याद कर लिया। अच्छा, मैंने भी जो है आज स्पेशली खाना बनाया है और स्पेशली तैयारी भी हुई है। देखिए ज़रा जोड़ा चेक करें मेरा। अच्छा, ये जोड़ा जो है मेरा पाकिस्तान से मुझे मेरी बहन ने दिया था, आई थिंक सफ़ायर वगैरह का है। देखिए एयरिंग्स भी मैंने पहले झुमकिया टाइप के, तो अच्छे लग रहे हैं ना। तो थोड़ा तैयार श्यार हो गई तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात कर ली जाए और आप लोगों को दिखा दी जाए तैयारी ईद की। अच्छा चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज बनाया क्या है। बिरयानी मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि नबील को पसंद नहीं है, उसको जो है सालन रोटी चाहिए होता है, चावल उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। चावल अगर मैं बना भी दूँ ना तो मुझे बोलता है कि खाने के बाद कि आज खाने में क्या है, यानी कि चावल उसके लिए खाना नहीं है, उसके लिए खाना वही है जो रोटी है, रोटी सालन है तो खाना है, चावल है तो खाना नहीं है। तो आज मैंने ना उसके पसंद का जो है वाइट कोरमा बनाया है, इसके अलावा खीर बनाई है और रेशमी कबाब बनाया है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने आज मेरे किचन में क्या बनाया है। ग्रीन कलर की जो है ना लाइट्स आज ऑन की है मेरी मिलादुन्नबी के मौके पर, कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा आइए चलिए मैं आपको खाने को दिखा देती हूँ कि आप मैंने खाने में क्या बनाया। अच्छा सबसे पहले ये देख लें, ये कबाब बनाए मैंने। अच्छा ये चिकन के कबाब बनाए, बहुत ही इसकी ईजी रेसिपी है। तो इंशाल्लाह अब की जो अपकमिंग वीडियोस है ना उनमें मैं ये क्विक रेसिपी बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये रेशमी कबाब है बेसिकली, बट मैंने इसकी जो है शेप चेंज कर दिया क्योंकि लंबाई में करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फ्राई करने में मुझे, तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ, ज़्यादा ईजी रहता है। अच्छा सेकेंड डिश जो है वो है मेरी कोरमा। कोरमा जो है ठंडा हो गया मेरा, काफ़ी देर से निकला हुआ है, ठंड भी इतनी है ना यहाँ पे, निकालो तो फ़ौरन चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, और इसको अभी मुझे माइक्रोवेव करना पड़ेगा। अच्छा ये वाइट कोरमा है, ये नॉर्मल देगी कोरमा नहीं है जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की थी, ये वो वाला नहीं है, ये डिफरेंट किस्म का है। तो ये भी जो है रेसिपी में शामिल करूँगी अपकमिंग वीडियोज़ में। अच्छा जी मीठे में क्या है जी, मीठे में है खीर, ये देखें जी मज़ेदार खीर मैंने बनाई है ये, क्योंकि मैंने मज़ेदार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने चखी थी जब मैंने निकाल रही थी ना, क्योंकि इसमें जो है मेरे पास बर्फ़ी रखी हुई थी वो और कंडेंस मिल्क, उसने इस खीर का जो मज़ा है ना वो बहुत ही ज़्यादा दुबाला कर दिया। तो इंशाल्लाह ताला नबील को भी और उम्र को पसंद आएगी खीर, होपफुली हम होप ही कर सकते हैं खाना बनाने के बाद। तो आज ये जो है ईद मिलादुन्नबी का थोड़ा छोटा सा अहतमाम था मेरे घर में भी और आप लोगों को पसंद आया होगा।
जल्दी मुंह खोलो। मुंह में है, हर वक्त मुंह में है, नहीं है मुंह में। ये कल बना नहीं? हाँ, आज ही बनाई। फ्रेश बनाए। उमा, और सबको बोलो जिसने ईद मिलाद नबी। बोलो ईद मिलाद नबी। नबी। चलो अच्छा सबको बोलो बाबा बोलो। बाबा। उधर देख के बोलो। बाबा। नहीं ऐसे बोलो सी यू लेटर। बाय बाय बाय। वो तो आप ले रहे हो।